हमारी तलाश में है, हम उसकी तलाश में निकल खड़े हैं। अब वो हमें ढूंढ रहा है, हम उसको ढूंढ रहे हैं। अब अल्लाह करे मिल जाए एक दूसरे को। हाँ हजरत, तलाश करना है तो किसी अल्लाह वाले को करो, तलाश करना है तो किसी वली को करो। हजरत मिल गया तो जिंदगी बन जाएगी। ये मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह मसनवी शरीफ में बड़ी बड़ी खूबसूरत मिसालें आपने दी, उसमें आप बड़ी खूबसूरत मिसाल देते हैं कि एक कश्ती थी जो पानी के बहाव के साथ साथ बह के जा रही थी, और उसमें 10-15 मुसाफिर भी बैठे थे जो अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा थे। उसके पास एक लकड़ी गुजरी जो दरख्त से टूट कर दरिया में गिरी थी। अब थी तो कश्ती भी लकड़ी और वो भी लकड़ी। आप फरमाते हैं जुबान हाल से उस लकड़ी ने जो सिर्फ अभी लकड़ी थी, उस लकड़ी से पूछा जो कश्ती बन चुकी थी। उसे पूछने लगी, भैने बरादरी के लिहाज ना सी दो एक ही हैं, तू ही लकड़ी है मैं भी लकड़ी हाँ, लेकिन मैं एवं लकड़ी हाँ, तू बड़ी खास लकड़ी है। तेरे ते रंग होया दा है, 10-15 बंदे बैठे ने, झंडियां लगियां ने, तेरी जिंदगी का कोई मकसद है? मैं बेमकसद हाँ। हो सकती हाँ किसे माई दे हाथ चढ़ा वड टुक के मैं तंदूर ला दे, हो सकता किसे बाबे दे हाथ चढ़ा मैं किला बना के मज बन दे, हो सकता है बच्चियां दे हाथ चढ़ा गेडियां बना के खेडन लग पड़। तेरे मेरे च फर्क की है? तेनों रंग होया, झंडियां लगियां ने, बंदे तेरे ते बह के अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा, फर्क की है? तू ही लकड़ी है मैं भी लकड़ी, फर्क की है दोयां च? तो मौलाना रूम फरमाते हैं वो लकड़ी के जिसकी कश्ती बन चुकी थी, उसने उस लकड़ी को जवाब दिया जिसका अभी कुछ भी नहीं बना था। उन्हें क्या भैने ऐ बरादरी के लिहाज ना दो एक ही हैं, तू ही लकड़ी है मैं भी लकड़ी हाँ, तू आम लकड़ी है मैं खास लकड़ी हाँ, फर्क सिर्फ इन्ना है मैनू को कारीगर मिल गया, तेन कारीगर नहीं मिले। जे तेन भी कोई कारीगर मिल जाता तेरा भी कुछ बन जाता। हाँ हजरत, अगर कुछ बनना चाहते हो तो फिर कारीगर तलाश करो, फिर कारीगर तलाश करो। जे लभ गया तो कुछ बन जाओगे हजरत, ना लभा तो हजरत जिम्मे धक्के खांडे खाते रहोगे। इसलिए कारीगर तलाश करो, खूब खूब हजरत खूब मेहनत करो। आप कभी किताबें उठाकर देखो तो सही, हमारे अकाबरीन ने कारीगर की तलाश में कितने कितने बड़े सफर किए हैं, उन्होंने कितने कितने जोखम उठाए हैं, कितने कितने मुजाहदे किए हैं, कितनी कितनी रियाजतें की हैं। मेरे एक बुजुर्ग बड़ी खूबसूरत बात कहा करते थे, आप फरमाया करते थे हमारे बड़े वो हैं जिन्होंने लोहे के चने चबाए हैं। हमारे बड़े कौन हैं? जिन्होंने लोहे के चने चबाए हैं। और अगू रोक के कहते होंगे सन असी यूं आवा के मक्खन खाते हैं भी दंद किसते, मक्खन ही तो है हजरत। देखो तो सही कितने खूबसूरत कालीन बिछे हैं हजरत, कितने खूबसूरत बुजुर्ग तुम्हारे सामने जलवा कर रहे हैं, फिर भी हम मेहनत करने को तैयार नहीं है। शुक्र करो हजरत उसने किसी आजमाइश में डाला ही नहीं। कुर्बान जाऊं हजरत, आज हम कालीनों पर बैठकर भी अपनी जुबानों को हरकत देने की जहमत नहीं करते कि माफल में आए हैं दुरूद पढ़े, क्यों ना पढ़े हजरत। कुर्बान जाऊं हजरत बिलाल पर जो कोयलों पर लेट कर भी पढ़ा करते थे हजरत। कुर्बान जाऊं हजरत बदर वालों पर जो तलवारों के सांप सायों के नीचे भी पड़ा करते थे। हमें तो हजरत उसने किसी भी आजमाइश में डाला ही नहीं, हम पे तो है ही बड़ी नरमी वाला मामला, हम पर तो है ही बड़ा करम और रहम वाला मामला। तो आप फरमाया करते थे हमारे बड़े वो हैं जिन्होंने लोहे के चने चबाए हैं, और हम वो हैं हजरत जिनका मक्खन खाते हुए भी दांत घिसता है। इसलिए आज वो वक्त है, मेहनत थोड़ी शलाव बहुत ज्यादा, इसलिए खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, अपनी तन्हाइयां पाक करो, अपनी महफल पाक करो। और आखिरी बात, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। ये जिस वहम में हम सारे मुब्तला हो गए हैं, अल्लाह वालों को निकाल, मैं अपनी बात करता हूँ, खुद नहीं निकलता हजरत, आप ही निकलता हूँ दादी जिस तरह मगे क्या पता नहीं कितना कट लेना है, तो किसी की नजर है जो पै गई तो निकल जाएगा हजरत, नहीं तो इनकी खज्जल होंगे जिंदगी लग जानी है। ये जमीन, ये माल, ये दौलत इसी का वहम है, सारे इसी के झगड़े हैं, सारी इसी की लड़ाई है। ये मैं पढ़ रहा था कल तफसीर में कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम का दौरे मुबारक था, तो दो शख्स जमीन के टुकड़े पर आपस में लड़ पड़े। एक दावेदार था कि ये मेरा है, एक दावेदार था कि ये मेरा है। उस वक्त ये रजिस्ट्रियां, ये समन, ये कागजात तो नहीं ना हुआ करते थे, मुंह जबानी बातें हुआ करती। अब जब लड़ाई ने तूल पकड़ा तो अहले इलाका ने क्या किया, उन दोनों को पकड़ कर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में ले आए और आकर अर्ज की आप अल्लाह के नबी हैं, इन दोनों के दरमियान फैसला कर दें। आपने फरमाया क्या हुआ? अर्ज की हजरत जमीन का एक टुकड़ा है, ये भी दावेदार है कि मेरा है, ये भी दावेदार है कि मेरा है।
अब आप फैसला फरमाएं कि दोनों में से किसका है। एक शख्स अर्ज करने लगा, हजरत इस तरह करें, बारी बारी दोनों को तन्हाई में ले जाए और पूछे, बात खुलकर आपके सामने आ जाएगी। आपने फरमाया, मैं अल्लाह का नबी हूं, मुझे इनसे पूछने की कोई जरूरत नहीं, मैं जमीन के उस टुकड़े से ही पूछ लेता हूं, आया तू बता तू इन दोनों में से किसका है। निगाहे नबूवत थी। आप जमीन के टुकड़े के पास तशरीफ ले गए और जमीन के टुकड़े को मुखातिब करके आपने फरमाया, ये भी दावेदार है कि तू मेरा है, ये भी दावेदार है कि तू मेरा है, अब तू खुद ही बता कि तुम इन दोनों में से किसका है। तो जमीन का टुकड़ा आगे से बोल उठा, हजरत ना मैं इसका हूं ना मैं उसका हूं, बल्कि ये दोनों मेरे हैं, ये दोनों मेरे नीचे आने वाले हैं, इनको समझाएं मैं इनका नहीं हूं बल्कि ये दोनों मेरे हैं। अन करीब भाई जी थले जाना जी अज वेला है।